लाहौर ठुकने आजमे के डेहो टर्मिनल से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ एंड वेलकम टू काशिफ डायरीज यूट्यूब चैनल। जी तो आज लाहौर से इस्लामाबाद गोल्ड क्लास में सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस 9:30 के टाइम में मॉर्निंग में यहाँ से निकलने का, और यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको वहाँ पर पहुँच के बताते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। टाइम हो चुका है और इस टाइम पे अब हम निकल पड़े हैं डेहो टर्मिनल से, और ये देखिए पुलिस वाले रॉन्ग पार्किंग वाली गाड़ी को भी उठा के लेके जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे डेहो टर्मिनल आप देख सकते हैं और ये स्पीडो बसेस भी आप देख सकते हैं। और इस टाइम पे हम ठुकरे हैं एक से 9:10 पर इस्लामाबाद से निकल पड़े हैं। रिफ्रेशमेंट बॉक्स मिल चुका है, लेट्स सी जी के सफर के दौरान रिफ्रेशमेंट में क्या मिलता है। सो एक सैंडविच, कपकेक, सुपर और चीटोस मिले। किसी भी पोर्ट के अंदर ये चल पड़े पर तमाम कोशिशें नाकाम। पूरी कोशिश की है कि हमें जाना साउंड आ जाए बट आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, और हैरानगी की बात है। ये देखिए जी, ये गोल्ड क्लास है, गोल्ड क्लास में हैंड्स फ्री मंगवाने के बावजूद जो है वो कोई साउंड नहीं आ रही और कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। काफ़ी डाउन है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये उतार के रख दिए जी हमने क्योंकि ये हैंड्स भी चल नहीं रहे और हमारे अलावा दूसरे भाई के भी नहीं चल रहे। हैंड्स फ्री चलाने की कोशिश की है मगर कोई रिजल्ट नहीं क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही, और गोल्ड क्लास में आप आमतौर पर एक्सपेक्ट नहीं करते मगर ये गोल्ड क्लास में जी ये सर्विस कभी इशू आया। जरा चार्जिंग पोर्ट लगा के कोशिश की है कि चार्जिंग हो जाए मगर ना ये पोर्ट चल रही है और ना ही ये पोर्ट चल रही है। तो ये तो कमाल की है जी सर्विस, गोल्ड क्लास के पैसे चार्ज किए हैं बट कुछ भी नहीं आपको वैल्यू मिल रही इसमें, ना ये पॉइंट्स चले हैं और ना ये पॉइंट चले। उतार देते हैं इसको, चार्जिंग हो रही है। देखिए एक फ़ोन को हमने चार्जिंग पे लगाया बड़ी मुश्किल से ढूंढ के, ये देखिए जी चार्जिंग हो रही है और अभी हम दूसरा फ़ोन लगाएंगे चार्ज। अभी आप ये देखें ये लाइट जा रही है इसकी, अभी हमने चार्जिंग लगाया नहीं बट ये केबल सेट करेगा तो ये देखें चार्जिंग बंद हो गई चार्जिंग पर। अब इसको मोबाइल निकालेंगे, अब इसको मोबाइल निकालेंगे तो ये देखें ये चार्ज कर रहा है। आपको किसने कहा दो फोन रखे, आपको एक फोन ही रखना चाहिए गोल्ड क्लास में, एक ही आप चार्जिंग लगा सकते हैं। दोनों आपकी सेहत के लिए भी नहीं अच्छे और गोल्ड क्लास के लिए भी नहीं अच्छे। हाँ जी, तो डेवो के रावलपिंडी वाले स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं जो कि मेन टर्मिनल है नर्स यूनिवर्सिटी के पास सदर में। तो एक्सपीरियंस गोल्ड क्लास के इतना मज़े का नहीं रहा। बैक साइड पे आप देखें जी स्टॉप है और ये हमारी बैक साइड पे गोल्ड क्लास है, तो इसमें कोई फैसिलिटी खास किस्म की नहीं थी जो एडिशनल हो, लाइक LEDs लगी नहीं हुई थी, चार्जिंग पोर्ट्स का इशू था, तो मज़ा नहीं आया इतना ना। तो मैंने कहा चले रियल रिव्यूज़ दें, जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस अच्छा ना आ रहे वो भी शेयर करनी चाहिए और जो अच्छा एक्सपीरियंस रहे वो भी शेयर करना चाहिए। फाइनली जी हम इस्लामाबाद पहुँच गए हैं डेवो टर्मिनल के ऊपर और अब यहाँ से हमारी रवानगी है, कुछ देर में इंशाल्लाह वापसी होगी, बस अपनी ऊबर का वेट कर रहे हैं जी। तो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा गोल्ड क्लास को ट्रैवल करने का फ्रॉम डेवो, क्योंकि LED
बैटरीज उनकी गायब हो चुकी थी और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी कमी पेशी थी, चार्जिंग पोर्ट्स नहीं चल रही थी और इसके अलावा हेडफोन्स नहीं चल रहे थे, तो मज़ा नहीं आया। अब देखिए दोबारा कभी मौका मिलेगा गोल्ड क्लास को ट्रैवल करने का तो उसका एक्सपीरियंस शायद डिफरेंट हो, बट यह है कि इसकी टिकट महंगी थी तकरीबन 3,500 की और जनरल इनकी जो लग्जरी है उसकी 2,500 की होती है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप लग्जरी में ही ट्रैवल करें क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो मज़े का नहीं रहा, या फिर किसी और ट्रैवल कंपनी की सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं।